नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस वीडियो में हम बात करेंगे रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर के होली के वीकेंड पर रिलीज हुई फिल्म तू झूठी मैं मक्कार के बारे में। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार कमाई के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है और अब इस बीच अगर फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर बात करें तो फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो सामने आया है बड़े पर्दे पर। फिल्म अब थोड़ी फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। अगर फिल्म के शुरुआती दिनों को लेकर बात करें, यानी कि फिल्म को एक लंबा वीकेंड मिला था, होली से लेकर संडे तक का वीकेंड फिल्म को मिला था, 4 दिन का टोटल, 5 दिन का वीकेंड फिल्म को मिला, लेकिन अब फिल्म फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। फिल्म ने अपने वीकेंड में ही, पहले वीकेंड में ही करीब 45 से 50 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और जिस तरीके से मंडे ट्यूजडे को लेकर बातें सामने आ रही थी तो मंडे ट्यूजडे में भी फिल्म ने 6-6 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, लेकिन अब इसके बाद अब फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है। फिल्म लगातार 3 करोड़ रुपए की कमाई अब जो है कर रही है और इसी के साथ फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो 95 करोड़ रुपए के आसपास हो चुका है। खैर, इन सब के बीच उम्मीद लगातार ये की जा रही है कि फिल्म बड़े पर्दे पर जो 100 करोड़ का आंकड़ा है वो पार कर लेगी और 100 करोड़ के क्लब में शामिल होती हुई रणबीर कपूर की फिल्म नजर आएगी। अब अगर आप कुछ रिपोर्ट्स को लेकर बात कर लें तो आपको बता दें कि फिल्म तू झूठी मैं मक्कार को लेकर कई रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं और इन रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि रणबीर कपूर की फिल्म तू झूठी मैं मक्कार बड़े पर्दे पर अपने दूसरे वीकेंड में कहीं ना कहीं 20 से 30 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है, क्योंकि फिल्म के सामने अगर हम दूसरी फिल्मों को लेकर बात करें तो वो इतनी मजबूत खड़ी होती हुई नजर नहीं आ रही है, जिस वजह से तू झूठी मैं मक्कार को एडवांटेज मिलेगी और फिल्म के कमाई में उछाल देखने को मिलेगा। और अगर जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आ रही हैं, इन रिपोर्ट्स पर अगर बिलीव किया जाए, इन रिपोर्ट्स पर अगर हम ये सोचे कि अगर इसके हिसाब से फिल्म कमाई करती है तो ये कहा जा सकता है कि फिल्म ना केवल 100 करोड़ के क्लब में शामिल होगी बल्कि फिल्म कहीं ना कहीं 150 करोड़ के आसपास पहुंच सकती है। अब इन सब के बीच देखना दिलचस्प यही होगा कि किस तरीके से फिल्म वीकेंड में परफॉर्म करेगी, किस तरीके से आने वाले हफ्ते में फिल्म परफॉर्म करेगी और फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।